Hi Puchapadi, very warm welcome to the channel. Shipra Mishra, this is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा यार हाफ एलीस पास आ रहे हैं तो हाफ एलीज की तैयारी भी एकदम जोरों शोरों से शुरू हो जानी चाहिए तो लेट्स गेट यू रेडी फॉर हाफ एडी एग्जाम्स यार जब इंग्लिश की बात करते हैं तो काफी बच्चों से बात करके उनका सिलेबस जान के जो कॉमन सिलेबस कॉमन चैप्टर्स समझ में आए हैं वो ये कुछ नाइन चैप्टर्स हैं जिनमें दो पोम्स भी हैं जिसमें आता है द लास्ट लेसन लॉ लास स्प्रिंग डीप वाटर रैट ट्रैप माय मदर एट सिक्स कीपिंग क्वाइट द थर्ड लेवल टाइगर किंग और जर्नी एंड ऑफ दर्थ अब यार और सिर्फ यह लिटरेचर ही नहीं आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके कोस के अंदर क्योंकि आपके पास में मल्टीपल सेक्शन है तो आपका सेक्शन वन के अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी देखने को मिलेगा ठीक है तो आपको वो नहीं भूलना है मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो वहां जाकर हो ही जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की फुल आपको यहां से प्रैक्टिस करके जानी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो लगा के जाने हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मार्क्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइम कंज्यूमिंग भी है तो बहुत सारे बच्चे जो है वो पेपर इसलिए छोड़ आते हैं क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिला बाकी क्वेश्चन करने के लिए ये इतना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है इसके बाद में आता है आपका राइटिंग सेक्शन बेटा राइटिंग सेक्शन में सिर्फ नोटिस देखकर खुश मत हो जाना कंपोजिशन तो वाला, वाला, वाला पार्ट है क्योंकि हाफेलीज है तो इनमें से सब कुछ आधा आधा हम समझ सकते हैं हम समझ सकते हैं कि यार हो सकता है शॉर्ट कंपोजिशन में से आपको नोटिस uh, you know, देखने को मिल जाए हो सकता है लेटर राइटिंग में से केवल लेटर और

Of questions देखें, तो पिछले कुछ सालों से hint -based questions आ रहे हैं जहां पे आपको, आपको है। तो आप है, करना करना है। आप मैम इसकी प्रैक्टिस करके करेंगे क्या क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आ जाएगा हो सकता है हमें पता हो, हो सकता है हमें नहीं पता हो तो सोचो यार अगर अभी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एटलीस्ट आप चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो किसी चीज के लिए तैयार तो हो अगर बिना प्रैक्टिस किए सिर्फ यूं ही मुंह उठा के तो फॉर्मेट्स के भरोसे चले गए तो फॉर्मेट्स के लेट मी टेल यू एक नंबर होता है हर क्वेश्चन में एक नंबर का फॉर्मेट होता है सिर्फ फॉर्मेट से कुछ नहीं होने वाला और अगर आपको लग रहा है सिर्फ फॉर्मेट बना के आने का नंबर मिलता है तो वो नहीं होता है फॉर्मेट के मार्क्स भी तभी मिलते हैं जब आपने आंसर अटेम्प्ट किया होता है उसको वैसे ही तो इसके लिए आपने फॉर्मेट तो बहुत अच्छे से देखना ही है क्वेश्चन के टाइप को बहुत अच्छे से समझना है एंड कम से कम एक आध क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस भी करना है चाहिए तो पी से ही कर लेना जब मैं पीवाई की बात करती हूं तो मुझे पता है आप लोगों को टेन ईयर्स के पीवाई चाहिए होते हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप पिछले दस साल के जो पी वाई क्यूज है वो हंड्रेड परसेंट ट्राई कर सकते हैं ओसवाल से ठीक है तो आपको गुरुकुल बाय ओसवाल से पिछले दस साल के पेपर्स जो है वो सोल्ड मिल जाएंगे बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब अभी पेपर सॉल्व करने लग रहे हो या एग्जाम आपके पास में है तो आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपने कौन कौन से साल ट्राई करने हैं जैसे अभी हम ट्वेंटी में फोर ठीक है तो ट्वेंटी में है तो ट्वेंटी वाला जो सैंपल पेपर होता है वो आप ट्राई कर सकते हो ठीक है ट्वेंटी वाला जो सैंपल पेपर है आपका क्वेश्चन पेपर है 2022 वाला जो सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर है 2023 वाला सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर एंड फाइनली 2024 वाला क्वेश्चन पेपर आपको देख लेना है अब आपका एग्जाम 2025 में लगेगा तो 2024 में अभी जो 2025 के लिए क्यों बोल रही हूँ इसके लिए क्योंकि इंग्लिश का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है।, यहां से है अलग तरीके के क्वेश्चन बनने लगे हैं तो आप जब अपनी बुक उठाकर सॉल्व करने लग रहे हो तो चाहे पिछले और जो भी पेपर्स हैं उन्हें बुक से रीड कर लेना पर कम से कम इन सालों के पेपर्स को तो जरूर सॉल्व करना इनमें से कोविड भी हैं तो सैंपल पेपर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि उनमें एग्जाम नहीं लगे होंगे ठीक है तो मेक श्योर sure कि आप बुक में पहले ये वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर रहे हो अब यार राइटिंग सेक्शन में ये क्वेश्चन आपने अगर ट्राई कर लिए तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड यू विल बी विलीपेयर टू डेवलप योर आंसर्स अकॉर्डिंगली अब बात करते हैं हमारे लिटरेचर सेक्शन की बेटा लिटरेचर कवर फॉर योर हाफ एग्जाम्स सबसे पहले तो अगर हम द लास्ट लेसन की बात करें तो द लास्ट लेसन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका थीम द लास्ट लेसन से थीम बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जैसे कि आर लैंग्वेज इज अ

और जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने जिस लैंग्वेज को इतने टाइम तक अपनी नेटिव लैंग्वेज को इतने टाइम तक नेग्लेक्ट किया था अब वो उनकी ज़िंदगी का पार्ट नहीं होने वाली है, तो कितना रिग्रेट में वो चले गए थे तो बच्चों आपको यही चीज जो है यहां पर डिस्क्राइब कर देनी है यही इमोशन जो है वो डिस्क्राइब कर देना है अच्छा जब भी आप यहां पर आंसर लिख रहे होंगे तो याद रखेंगे कि केवल जो अभी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया लाइव सेशंस में जो पढ़ाया है उसको दिमाग में रखकर ऐसा नहीं है कि बस सोच लिया हाँ हाँ मुझे सब समझ में आ गया आपको वो सब याद रखकर यहां पर भी लिखना है और कोशिश करनी है कि अपने आंसर को इंट्रोडक्शन डिटेल और कंक्लूजन के पार्ट में भी डिवाइड करो ताकि आपका आंसर पूरी तरीके से फॉर्मड हो और वेल वेल फॉर्म लगे डोंट वरी ये जो पीडीएफ है ये मैं आपके साथ जरूर शेयर तो अच्छा, कि लेटमी क्वेश्चन और ये आंसर्स आंसर्स तो जो है मैंने निकाले हैं हमारी प्यारी मोस्ट लाइकली से सीबीएसई की क्वेश्चन बैंक है ठीक है यहाँ पे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन है कंप्लीट गाइड है आपकी सेल्फ स्टडी

सेलेबस रिलीज किया था लेटेस्ट सी बी एस ई ने उसके बेसिस पर यह बुक बनाया तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस बुक आउट आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दिस बुक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लो सो so, ये जो है ये आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं लास्ट लेसन से अगर हम लॉ स्प्रिंग की बात करें तो ये बड़ा अलग है इस इसपे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अनीस जंग और हमारे जो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं साहिब आलम और मुकेश उनके बीच के कॉन्वर्जेशन पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि कैसे साहिब आलम और मुकेश जो है ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा इन दोनों की लाइफ के बीच के डिफरेंसेज आपको यहाँ पर देखने को तो आपने जब ये स्पेसिफिकली लॉ स्प्रिंग वाला आ, जो है चैप्टर करना है तो उसके अंदर आप सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते हो अपने आप को यू नो जो चैप्टर है उस पे, आपको उसके बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा बिकॉज ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी देखो द टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड दैट द नरेटर ऑब्जर्व अब देखो ये यहां पे निकल कर आया है ये क्वेश्चन कहां से निकल कर आया? आया है आपके जो चैप्टर है फिरोजाबाद उससे और यहाँ पे हमें बताना है कि फिरोजाबाद में जो बच्चे हैं वो बच्चे उन दो दुनियाओं के बीच में पिसकर रह जाते हैं उन दो दुनियाओं को जिनको मेंशन किया है अनिस जंग ने उसके बारे में आपने बताना है तो यहाँ पे आपको एकदम बीच से क्वेश्चन उठ के आया है आपको वो डिस्क्राइब करना है अच्छा फिर आता है गार्बेज टू देम इज गोल्ड हाउ डू रैक बिकॉज ऑफ सीमापुरी सर्वाइव सो अगेन उनकी जो सर्वाइवल वाली कंडीशन है उस पर आपने क्या है क्वेश्चन uh, आपसे गया है तो वहां से आपको बताना है कि कैसे ये दस हजार पिकर्स यहां पे रहते हैं बेसिक नेसेसिटीज भी यहां पर अवेलेबल नहीं है ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है ऐसे सिचुएशन में ये लोग यहां पे रहते हैं मैंने ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में क्यों इंक्लूड की है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अगर आप इनके आंसर्स पढ़ लोगे तो यू विल बी प्रिपेयर फॉर इंडिविजुअल क्वेश्चन है ना बट इसके साथ साथ में अगर मिक्स क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर में आया है कि इन दोनों की जिंदगी में डिफरेंस बता दो या मुकेश और सा, साहिब की जिंदगी में डिफरेंस बता दो तो आप इन दोनों में से कुछ लाइंस यूज करके अपना आंसर बना पाएंगे फिर बात कर लेते हैं हमारे डीप वाटर की बेटा डीप वाटर जो है बिकॉज एक ऑटोबायोग्राफी है तो ये जो है एकदम आ, आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछती है जिसमें आपको पूरा इंसिडेंस जो है वो बताना होता है डीप वाटर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं कि कैसे डगलस ने अपना जो फियर है जिसे उसने बचपन में ही डेवलप कर लिया था उसे डिसाइड किया कि नहीं मुझे इससे फाइट करना है और उसने उसे, उसे ओवरकम किया अब ये जो क्वेश्चन होता है ये थीम भी कवर कर देता है बट एट द सेम टाइम आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूरे चैप्टर का समरी मिल जाता है तो यहाँ पे ना समरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलते हैं जैसे कि देखो ये क्वेश्चन फियर इज समथिंग दैट वी मस्ट लर्न टू ओवरकम इफ वी वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ हाउ डिड डगलस गेट ओवर इज फ्यर ऑफ वॉटर

अच्छा इसके बाद में आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे चैप्टर है द रैट ट्रैप बेटा द रैट ट्रैप जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जो कि बात करता है सेकंड चांसेस के बारे में एक ऐसा चैप्टर है जो कि बात करता है कि कैसे आ, लोगों को लव काइंडनेस फ्रेंडशिप बदल सकती है ये बात करता है हॉस्पिटैलिटी के बारे में लोनलीनेस के बारे में तो आपको बहुत बार यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो इन टॉपिक से रिलेटेड हो

पूछे जाते हैं जैसे कि आप यहां पर देखेंगे एक क्वेश्चन आपको बताती ये देखो, मेड बाय डिफरेंट पीपल कैन बी एट वेरियंस विद रियालिटी नाउ पिक अप सिचुएशन फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट दिस व्यू तो अब देखो यहां परसेप्शन जो है कैसे पूरा खेल बदल देता है उसको हमें बताना है कि परसेप्शन मेड बाय डिफरेंट पीपल अब डिफरेंट पीपल में आपको क्रॉफ्टर से स्टार्ट करना है एंड बीच में जितने लोग आ रहे हैं आपको सबके बारे में बताना है कि कैसे उससे रियलिटी जो है वेरी कर जाती है कुछ ऐसे ही सिचुएशन स्टोरी से पिक करके एंड आपको इस व्यू को सपोर्ट करना है आप देखोगे कैसे ये इस क्रॉफ्टर से शुरू हो रहा है एंड एडला तक जा रहा है ठीक है तो यहाँ पे ये जो है ऐसे वाले क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो जहाँ पे हमारे तीनों मेन क्या क्टर्स ने कैसे ट्रीट किया है रैट्रैप सेलर को उस पर क्वेश्चन बनेगा फिर बात कर लेते हैं माय मदर एट 66 के बारे में बेटा माय मदर एट 66 एक ऐसी पोम है जो कि बात करती है यू नो रियलिटीज ऑफ लाइफ के बारे में जो कि बात करती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज के बारे में अभी जो बहुत पॉपुलर टाइप के क्वेश्चंस दोनों ही मैं कह सकती हूँ पोम में पूछे जा रहे हैं और नहीं तो सारे पोम्स में जो पूछे जा रहे हैं वो है कॉन्वर्जेशन वाले क्वेश्चन मान लो जैसे माई मदर एट सिक्सटी की कमला दास ने पैबलो नरूदा से कुछ बात करी Neruda, जो के है, Frost, जो अपनी डायरी एंट्री लिखी है या कोई चिट्ठी लिख रहा है इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं आपको इमेजिन करवा दिया जाता है दैट यू आर पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड देन उसके बाद में आपको क्वेश्चन को आंसर करना होता है अब जैसे यहां पर हम देखते हैं I question a question. You are Kamla Das, the poet of the poem My Mother at 66. During a visit to your mother, you are pained to notice that your mother has turned very pale and age has crept up on her. You are very upset. Now, pen down a letter to your friend, Ravi or Kavita, in context of the emotion displayed in the following lines. Now, beta, you have to consider these lines. I saw my mother say lekar as she looked up. You have to consider these lines. or ये ध्यान में रखते हुए आप क्या इमेजिन करोगे अपने आपको कमला दास और अपनी दोस्त रवि या फिर कविता को चिट्ठी आपने जो है वो लिखनी है ठीक है तो आपने अपने आप को कमला दास इमेजिन करके ये चिट्ठी लिखनी है कि यार मैंने जब मेरी मम्मी को देखा मेरी मम्मी पास में सो रही थी एकदम से उनकी आंख लग गई वो बहुत मुश्किल से ब्रीद कर पा रही थी मैंने उनके फेस पे ध्यान दिया तो वो जो फेस था वो पूरी तरीके से पेल हो चुका था कलरलेस हो चुका था मैंने मेरी मम्मी को कभी भी ऐसे नहीं देखा मैंने कभी भी मेरी मम्मी को इतना डल इतना यू नो लैक ऑफ लाइफ नहीं देखा बट उस दिन जब मैंने मेरी मम्मी को वैसे देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज वो ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई डेड बॉडी होती है जिसमें जान नहीं होती वो कलरलेस लग रही थी मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि वो सच में बूढ़ी हो रही है मैं फेस नहीं करना चाहती थी इस रियालिटी को बट ये रियालिटी मेरे सामने आ गई और वो भी पेन के साथ में एक एक के साथ में तो इस तरीके से आपने एक एक्सप्लेन करना है एज इफ आप ही कमला दास वहां पे हो अच्छा ऐसा ही कुछ कीपिंग क्वाइट के अंदर है ऐसे ही क्वेश्चन यहां पर भी बन रहे हैं तो आप देखो कीपिंग क्वाइट के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है Imagine you are Pablo Neruda, the poet of keeping quiet. You're very upset by the hazards of environment and war. You firmly believe that war is never a solution to any problem. What will you write to your friend in context of the following lines? Again, आपको यहाँ पर कुछ lines दे दी गई हैं, जहाँ पे आपको बता दिया है कि भाई इसका context उठाकर अपना जो दोस्त है, उसको आपने क्या कर देना है, चिट्ठी लिख देनी है, और बता देना है कि तुम कितने sad हो इस चीज को लेकर कि हम हर चीज का जो end है, हर चीज का solution जो है, वो war समझ लेते हैं, but जरूरी नहीं है कि हर चीज का सोल्यूशन वॉर हो आ जाते हैं बेटा अपने विस्तास पे अब में द थर्ड लेवल देख लीजिए द दे थर्ड लेवल क्या है चार्ली इसके प्रोटेगनिस्ट है जैक फिनी ने इस चैप्टर को लिखा है द थर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी रियलिटी और फैंटेसी के ब्लेंड पे आता है क्योंकि ये जो चैप्टर chapter, है ये चैप्टर एक रियालिटी और फैंटेसी का ब्लेंड है जहाँ पे आपको सायफाए देखने को मिलता है साइंस और फिक्शन दोनों देखने को मिलता है तो इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन भी वैसे ही होते हैं क्योंकि ये चैप्टर एक डिप्लोमैटिक चैप्टर है जिसमें आपको कुछ खसाफ साफ बताया नहीं गया है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है तो आपने भी जब जब इसका आंसर करना करना है है तो डिप्लोमेटिक तरीके से ही करना है। इस क्वेश्चन बनता है तो बस इसी की से बनता है ठीक है जो चैप्टर है इस चैप्टर की रियालिटी और फैंटेसी के ब्लेंड से ही बनता है अब देखो यहाँ पे एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपको याद रखना चाहिए और बच्चे भूल जाते हैं उसके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है हाउ डिड चाली मेक श्योर दैट ही वाज़ इन द पास टाइम एट थर्ड लेवल थर्ड लेवल पुश बैक इन टाइम विच ओल्ड फैशन थिंग्स डिड ही सी अब बेटा यहां से दूसरे लेवल तक जाना और ये चीज अपने को इंश्योर करवाना कि ये जो लेवल है ये थर्ड लेवल है ये कोई सेकेंड लेवल नहीं है ठीक है और तो थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो ये कोई डिफरेंट लेवल है इसके लिए नेचुरल सी बात है कि कोई भी ह्यूमन बींग आसपास पड़े हुए ऑब्जेक्ट को देखेगा आसपास अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा वैसे ही हमारे चार्ली ने भी स्टडी किया और हम लोगों को काफी डिस्क्रिप्शन में बताया नाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट डिस्क्रिप्शन एंड इन एडिशन टू दैट यू नीड टू पिन दैट डाउन योर इन दिस क्वेश्चन और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में ठीक है तो यहाँ पे आपने एक 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 को पिन डाउन करना है पेन डाउन करना है कि कौन कौन सी चीजें चार्ली को ये बता रही थी दैट ही वॉज ऑन अ डिफरेंट लेवल द टाइगर किंग बेटा द टाइगर किंग जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कलकी ने यू नो बड़े ही सटारिकल मैनर के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम को एक्सप्रेस किया है बेटा पुराने टाइम पे हंटिंग को एक ऐसी एक्टिविटी माना जाता था जो वैल्यों की होती थी करज की निशानी होती थी और इसी चक्कर के अंदर ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते थे जिसमें हम अपना इन्वायरमेंट और आस के लोगों को जानवरों को हार्म कर रहे होते थे ये कहानी के अंदर जहाँ पे टाइगर किंग ने प्र

आस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन जो है वो बन के आते हैं जैसे देखो हाउ डिड टाइगर किंग मीट हिज एंड व्हाट इज आई अबाउट हिज डेथ अब देखो यहाँ पे नहीं जो आयरॉनिकल है क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिला है कि कैसे यू uh, नो you know, एक, एक एक छोटे बच्चे के लिए एक uh, प्रिडिक्शन की गई और वो उस प्रिडिक्शन को इतना ज़्यादा ईगो पे ले गया अपनी पावर पे ले गया दैट ही चोज टू किल हंड्रेड टाइगर्स ही चोज टू डू ऑल दोज कर्मस जहाँ से उसको फाइनली डेथ मिलने वाली है तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कम टू हिज आयरॉनिकल डेथ जहाँ पे यू नो सारे लोग अपने ऑपरेशन को जो सर्जन है वो अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल बता रहे थे जबकि वो बंदा मर रहा था तो ये जो है ये एस्पेक्ट आपको बताने के लिए एक शॉर्ट स्टोरी uh, शॉर्ट समरी यहाँ पर आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से uh, इस इस uh, स्टोरी के माध्यम से बिकॉज इट वॉज आरोनिकल डेथ हमें ये बताया गया है दैट नो वन इज इमोटल कोई भी इमोटल नहीं है टाइगर किंग ने सौ टाइगर्स अकॉर्डिंग टू हिम मार दिए

वैसे हम लोगों को एक्चुअली क्या करना चाहिए आ, हम लोग जो है आ, 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 यहां पर एंटार्टिका को अगर इस तरीके से इतना क्लोजली देखेंगे तो शायद हमें भी रियलाइज होगा कि जिन चीजों को हम इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं हम सोच रहे हैं कि अरे यार अगर मेरे अकेले के घर में ए चल रहा है तो इसमें क्या हो गया और मैं अकेला अगर ए यूज करना बंद कर दूंगा तो उससे कैसे पूरे इन्वायरमेंट में फर्क पड़ जाएगा वेन यू गो क्लोज टू और इफ यू आर क्लोज टू दैट क्लोज टू एन्वायरमेंट जहां पे इन्वायरमेंट चीख रहा है हेल्प मांग रहा है तो आपके लिए वो सारी चीजें इग्नोर करना मुश्किल होता है तो कुछ ही लोग हैं जो अंटार्टिका पहुंच पाते हैं नेचुरल सी बात है सारी पॉपुलेशन तो वहां पहुंच नहीं पाएगी टू सी कि कैसे आइस मेल्ट हो रही है या फिर जो हम यहां कर रहे हैं उसके रिप्रीकॉशन वहां तक कैसे पहुंच रहे हैं वहां कैसे दिख रहे हैं तो यहां पर जो गए हुए लोग हैं वो अपनी कहानी कहते हैं जस्ट लाइक like तिशानी दोषी एंड वी शुड बी लिसनिंग टू दीज गाइज बिकॉज ये लोग जो हैं वो वो बता रहे हैं जो आंखों से देख के आए हैं और ये कोई ईवीएस का चैप्टर नहीं है यह आंखों देखा हाल है जो हूबहू तिशानी दोषी हमें बताती है एंड अर्ज करती है कि इस प्लानिट को हमें सेव करना चाहिए और उसी पे जो है कहीं कही ना कहीं उनकी फीलिंग्स क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो कि तिशानी दोषी खुद के अपने ट्रिप के बारे में बता रही है अपनी जर्नी के बारे में बता रही है तो लॉट ऑफ इमोशंस जो है वो इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे एंड उसी पे क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर बनते हैं तो ये क्वेश्चन आई एम सॉरी ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन मैंने देखो तिशानी दोषी अंडरटेक्स एन अन यूज ऑफ टीन एजर्स एक्सपीरियंस ऑफ दर्नी इन डायरी कीपिंग इन माइंड जर्नी टू दर्थ ना आप तिशानी दोषी हो यू आर राइटिंग योर डायरी आप डायरी एंट्री करते हो आप आ गए हो घूम के एंटार्टिका एंड आपने वो सब कुछ देख लिया है और अब जर्नी टू ऑफ दी अर्थ में जो जो बातें दिशानी जोशी ने हमें बताई उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू राइट योर डायरी ओके ऑल राइट सो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन अगर आप दिमाग में रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर नाइनटी फाइव प्लस आपके इंग्लिश के हाफ एग्जाम्स में ठीक है ये जो क्वेश्चन है इसकी पी डी मैं आपके लिए टेलीग्राम पर डाल दूंगी टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको पी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे और पी की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू आर परचेजिंग दी क्वेश्चन बैंक आपका मोस्ट लाइकली सी बी क्वेश्चन बैंक जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जस्ट इन केस यू नीड टू चेक इट आउट ठीक है और साथ ही साथ में अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो आज मैंने आपके लिए क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस किए और एमसीक्यूज इसके लिए डिस्कस नहीं किए बिकॉज वी यू नो मीट इन लाइव क्लासेस जहां पर हम चैप्टर खत्म करने के साथ में एमसीक्यूज uh, भी लगाते हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड टिल कीपिंग क्वाइट तो यहां तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हमारे एमसीक्यूज भी कर लिए हैं सो इन केस यू न्यू टू द चैनल प्लीज गो एंड चेकआउट लाइव सेक्शन वहां पर हमने सारे चैप्टर्स और पोम्स कंप्लीट कर दिए अलॉन्ग विद एमसी क्यूज वी आर येट टू कंप्लीट द थर्ड लेवल टाइगर किंग एंड जर्नी सो प्लीज कम अलॉन्ग सब्सक्राइब टू द चैनल ज्वाइन द लाइव क्लासेज ज्वाइन टेलीग्राम फॉर पी डी एफ ऑल्सो यू नो मेक श्योर you're sharing this video with your friends so that everyone is joining on this journey where I have decided that I'll help you to score 100 on 100 in a language subject like English I know it sounds impossible but trust me I've been doing this for last 5 uh, uh, 11 years and it's pretty easy and 5 on uh, uh, YouTube so it's pretty easy don't worry you can uh, crack it and you can score 100 on 100 in your exams make sure that half early exams you have wo aapki liye success स्टेप हो बिकॉज वंस यू अचीव दैट वंस यू आर नाइनटी फाइव अबाउ इन हाफ एयरली वंस यू स्कोर इन हाफ ईयरली तो उसके बाद में आपके लिए प्री बोर्ड एंड देन बोर्ड के अंदर वो स्कोर करना आसान हो जाता है कॉन्फिडेंस मिलता है विच इजरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स लिख रहे होते होविंग सेट दैट आई एल सी यू इन द नेक्स्ट मन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियो सी यू बब बाई टेक केयर आई लव यू